बहुत प्यारी रची है, बड़ा अच्छा रंगा है। यही तो दिखाने आई थी आपको। मम्मी को दिखा क्या, खुश होंगी देख। हाँ आपको तो दिखाई नहीं, मैं दिखा कर आती। अब क्या करोगे तुम? तुम्हारे बस में तो कुछ रहा ही नहीं। रानिया आपको अपनी दोस्त समझती है, अपना हमदर्द समझती है भाभी। ज्यादती कर रही हैं आप उसके साथ। मैं ज्यादती कर रही हूं? वो तुमसे शादी करने के लिए खुद बजिद है। जब दोस्त गड्ढे में गिर रहा हो ना, तो दूसरे दोस्त को चाहिए कि उसे बचाए, ना कि खड़ा होकर देखता रहे। मुझसे शादी करने के बाद रानिया की जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी चॉइस है। आप भले से उसकी हमदर्द ना हो, लेकिन मुझे फिर भी उसका ख्याल है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं निकाह में नहीं आऊंगा। मेरी ये बात आप रानिया को बता दें। मैं उसे कुछ नहीं बताने वाली। ठीक है, मर्जी आपकी। बेहतर होता कि आप बता देती, इस तरह से फुप्पो और रानिया की इज्जत बच सकती थी। कल तुम्हारी शादी है और तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो? देखिए भाभी, अभी बात घर में है, मेहमानों को फोन करके मना किया जा सकता है, लेकिन ऐन निकाह के वक्त जब दुल्हा ही नहीं आएगा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। खानदान तुम्हारा, घर वाले तुम्हारे, शर्मिंदगी भी तुम्हें ही होगी। मैं क्या करूं सब में? उम्मीद यही थी, लड़की की इज्जत जब एक बार खराब हो जाए ना तो। प्लीज मुझे नहीं परवाह इन सब बातों की। तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। वो कौन सी मेरी सगी लगती है? कहां फंस गई हूं मैं?